दिस इज रेवोल्यूशनरी। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज हम आए हैं एट द ऑटो एक्सपो टू कवर अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू। और एक और एक ऐसी गाड़ी आपके लिए लाया हूँ, विच इज द पंच ICNG। ऑफकोर्स ICNG के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने काफी सारा कॉन्टेंट बनाया जहाँ बताया कि ये कैसे ज्यादा पावरफुल है देन अदर CNGs एंड पेट्रोल और CNG किस पे भी चलाओ ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा इन परफॉर्मेंस। बट देर इज नॉट जस्ट दिस, इसमें आपको और भी बहुत कुछ है इन द पंच। पूरा वीडियो देखिए मेरे साथ। तो अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट देखते हैं, ये टॉप एंड मॉडल है हमारे साथ, तो यहाँ पे आपको टॉप एंड के सारे फीचर्स वही मिल जाते हैं, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। आपके पास ऊपर डे टाइम रनिंग LED है, आपके पास हाई बीम लो बीम हैलोजन ये सब लाइट्स यहाँ पे दिया गया है। एंड ये फ्रंट एस्पेक्ट में चेंज नहीं है, क्योंकि टेक्निकली तो CNG है, तो यहाँ पे उस एस्पेक्ट में एक्चुअल कुछ चेंज नहीं किया गया। अब अगर आप गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखते हैं, यर यू आर गोइंग टू सी चेंजेस वन बाय वन। एक ही चेंज मेजर साइड में पता है क्या दिया गया है, वो ये है कि अब ओवरऑल आपको व्हील्स में कुछ फर्क नहीं आया, बट आपका जो रूफ है वहां पे आपको आ जाता है शार्क फिन एंटेना। ऑलराइट, दैट्स वन न्यू थिंग। पर बूट में आके देखोगे यू विल बी सरप्राइज टू नो। तो वैसे पंच में आपको 319 लीटर की बूट स्पेस आती है। अब टेक्निकली देखा जाए अगर बड़ा CNG का बाटला बैठता है तो आपके पास बूट स्पेस ना के बराबर रहने वाली है, और अगर आप छोटा बाटला डालते हो तो आपके पास जगह ही नहीं रहेगी, मतलब आपका रेंज ही नहीं आएगा, राइट? बट दिस इज रेवोल्यूशनरी। यहाँ पे अगर आप पंच का बूट देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिसेंट इनफ बूट स्पेस है। अब ये कैसे हुआ है? यहाँ पे इसका जवाब है हियर। ये है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो पहले बार हमने इंडिया में देखी है। अब ये क्या होता है मैं आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। आप अगर एक बड़ा CNG बाटला डालते हैं तो वो ज़्यादा जगह लेता है, तो यहाँ पे दो छोटे डाल दिए जिस वजह से आपका वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं आया है, बट आपकी बूट स्पेस बढ़ गई यहाँ पे। नाउ बिकॉज ऑफ दिस सिंपल एडिशन या जो सिंपल आइडिया डाला है, इस वजह से आपके पास ज़्यादा बूट स्पेस भी रही है, आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं हैम्पर हो रही है क्योंकि इंजन बड़ी है, प्लस आपका जो रेंज का एंजाइटी रहता है कि यार बार बार CNG भरवाना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें दो डाल दिए गए हैं, एक नहीं दो सिलेंडर्स डाल दिए गए। तो टेक्निकली 8 से 10 किलो जो हम डालते हैं जनरली CNG गाड़ी में, उतना ही जाने वाला है इसमें भी, बट बिकॉज इट्स स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, आपके पास ज़्यादा बड़ा बूट यहाँ यूटिलाइज करने के लिए दिया गया। अब दूसरी चीजें देखते हैं, गाड़ी के अंदर भी चेंजेस हुए हैं, सो लेट्स स्टेप इनटू द कार। ऑलराइट, जब हम बैक सीट पे आके बैठते हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ पंच, तो यहाँ पे ऐसे मेजर चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखाना चाहूंगा। इफ यू कम इन क्लोजर, आप पहली चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे अब पीछे एयरबैग्स आ गए हैं। दिस कार हैज अ टोटल ऑफ 6 एयरबैग्स, पहले 2 आते थे, अब 6 एयरबैग आते हैं। और अगर आप पीछे यहाँ बैठ रहे हो, आपके पास 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, प्लस आपके पास आर्म रेस्ट है। और अगर 3 लोग बैठने चाहे तो, अगर पतले लोग हैं तो 3 लोग बैठ सकते हैं, वरना अगर मेरे साइज के तो 3 लोगों का बैठना थोड़ा टाइट यहाँ हो जाएगा। अब अगर आपको मैं इंटीरियर दिखाऊं गाड़ी का, दैट विल बी वन मोर एस्पेक्ट टू शो यू, कम लेट्स सी दैट। ऑलराइट, हियर वी आर। एंड पहली चीज आप क्या देख रहे हो कि गाड़ी के अंदर लाइट कहाँ से आ रही है, क्योंकि इसमें अब आ चुका है सनरूफ। जी हाँ, द टाटा पंच नाउ गेट्स अ सनरूफ। जिन लोगों को चाहिए था सनरूफ आ जाए, वो अब आ गया है। बाकी सारी चीजें सेम ही है, 7 इंच का टच स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा, आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी के अंदर दिया गया है, आपके पास यहाँ पे कंट्रोल्स है ऑन लेफ्ट साइड फॉर योर म्यूजिक एक्सेट्रा। क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं दिया गया है राइट नाउ, एंड एट द सेम टाइम आपका जो क्लस्टर है वो एक्चुअली कम्प्लीटली डिजिटल कर दिया गया है। तो नेक्सॉन टियागो टिगोर ये सब में जो आता है वो टाइप का यहाँ क्लस्टर दे दिया गया है। और यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम ही है गाड़ी में, ऐसे कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है। मुझसे अगर पूछोगे तो टाटा की बेस्ट क्वालिटी फिट फिनिश अगर मैं बात कर लूँ, दिस कार हैज़ द बेस्ट फिट एंड फिनिश जो टाटा मोटर्स ऑफर करती है। वैसे अगर मैं फीचर्स गिनने जाऊँ तो बहुत सारे, हार्मन का म्यूजिक सिस्टम है, यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स, वो सब तो आता ही है पंच में, बट द बेस्ट पार्ट इज अब पंच CNG में आ रही है और ये टॉप एंड में भी अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए एक फीचर रिच कार, आपके पास ऑप्शन आ जाता है ऑफ द पंच, विच इज फैंटास्टिक। तो इसमें ICNG भी टेक्नोलॉजी है जो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूंगा। तो बेसिकली जब आप ये गाड़ी चलाते हो तो ये गाड़ी स्टार्टिंग CNG पे होती है, और इसमें काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स भी है। तो कभी मानो
सीएनजी लीक होता है, होता नहीं है बट कभी हो जाए तो इन दैट केस वो सीएनजी स्टॉप कर देता है टैंक में ताकि वो यू नो डेंजरस ना हो. और अगर आपका सीएनजी टैंक खुला है और आप गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हो तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी. काफी सारे फीचर्स इसमें आ जाते हैं. इंजन वही है 1.2 लीटर का. वी आर एक्सपेक्टिंग सिमिलर पावर इसमें बट एग्जैक्ट पावर रेटिंग्स नहीं है. मे बी 70-75 bhp के आसपास इसका पावर होना चाहिए. पर ड्राइविंग परफॉर्मेंस में आप पेट्रोल चलाओ या सीएनजी आपको फर्क नहीं पता चलेगा. ये चीज हमने ऑलरेडी टियागो एंड टिगोर में एक्सपीरियंस कर ली. सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द पंच सीएनजी आईसीएनजी. उम्मीद करता हूं ये आपके लिए यूजफुल रहा है. अगर आपके पास अभी भी सवाल है यू कैन स्पीक टू अस. आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. आपको कौन सी गाड़ी लेनी है उसके लिए नॉट जस्ट दिस बट आप बाहर कोई भी गाड़ियां देख लो उनमें से भी आपको कोई पसंद है. लेट्स से आपको नेक्सॉन पसंद है और यू लाइक XUV300 और वेन्यू एंड आप कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी लू सेडान लू हैचबैक लू एसयूवी लू या उसमें भी और डिटेल जानना है तो आप मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं दोस्तों. आपको सिर्फ motorocktane.com/car-consultancy पे जाना है. वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने हैं एंड कॉल टाइम बुक करना है. नाउ इज़न्ट दैट वेरी सिंपल. पर उससे और आसान पता है क्या है? मोटरॉकटेन को सब्सक्राइब करना. तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऑटो एक्सपो में आपके लिए बहुत सारा कंटेंट ला रहा हूं विच विल बी अमेजिंग फॉर यू. दैट्स ऑल.